मौजूदा हुकूमत के कि हमको इंसाफ की उम्मीद हम नहीं कर सकते बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, इसलिए कि जब हुकूमत ने लाल कृष्ण अडवाणी को पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा, वो शख्स जिसने रथ यात्रा के जरिए सारे हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी मचाई, पतलो भारत की हुई, आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत पद्म विभूषण के अवार्ड से लाल कृष्ण अडवाणी को नवाज की है, जिन पर आज भी क्रिमिनल केसेस हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में पहला पद्म विभूषण अवार्ड होगा कि जिसको दिया जा रहा है उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर भारत रत्न से साबिक वजीर आजम को भारत रत्न देना, क्या हम भूल गए 5 दिसंबर की वो तकरीर जो लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि इस धरती को समतार होना पड़ेगा, वही अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज का वीडियो आज भी यूट्यूब पर दस्तियाब है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि क्या हम कल पत्थरों के ऊपर बैठेंगे, पत्थरों को साफ करके जमीन पर बैठेंगे। आज ऐसे शख्स को भारत रत्न से अवार्ड दिया गया है। हमको इनसे हम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते जहाँ तक बाबरी मस्जिद का मसला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी